एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब मज़े में होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं नहा कर आ गई हूँ। और जैसे कि आपको पता है अभी हस्बैंड जी भी घर पे हैं, सब्जी बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं और बच्चे भी घर पे हैं, तो खाली देवांश स्कूल जा रहा है। तो देवांश का भी आज संडे की छुट्टी है तो देवांश भी नहीं जाएगा। और हर्षिता की भी तबीयत ख़राब हो गई है, इधर भावना की भी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए खमन ढोकला बना रही हूँ। तो खमन ढोकला बनाने के लिए देखिए मैंने बेसन ले लिया, नमक डाल दिया है, शक्कर डाल दिए और थोड़ा सा है ना हल्दी पाउडर डाल दिया है। और हल्दी पाउडर है ना थोड़ा ज़्यादा डल गया है मुझसे, तो चलो देखते हैं बाद में क्या होता है। और ये देखिए इस तरह से घोल तैयार करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था। फिर इधर मैंने गैस चालू कर दिया है। तो ये एक डेगची ले ली, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि देखिए स्टैंड भी रख दिया इसके अंदर। तो बस स्टैंड रखने के बाद ढक दिया है और यहाँ पे थोड़ा तेल लगा रही हूँ मैं इसके अंदर। ये केक टीम का है मेरा बर्तन, तो बस केक बनाती हूँ ना उसका है, तो उसमें खमन बनाऊँगी मैं। और ये देखिए थोड़ा और पानी डाल दिया है मैंने और पतला कर रही हूँ इसको, क्योंकि मैंने उस टाइम पर पानी थोड़ा कम डाला था और अभी और पानी डाला है। और ये जो खाने वाला सोडा है ना वो सोडा डाल रही हूँ मैं, बेकिंग सोडा। तो आप इसकी जगह इनो भी डाल सकते हो, इनो से और भी बढ़िया फूलता है, लेकिन मैंने नहीं मंगाया था इनो, बस सोडा ही डाला था। और सोडा डालने के बाद मैं फिर इस बर्तन के अंदर मैंने डाल दिया ये घोल। और घोल डालने के बाद में यहाँ पर हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है, तो बस इसको अंदर रख दिया है। और डेगची का ढक्कन लगा दूँगी। और डेगची इसलिए ली मैंने कि ढक्कन फिट लग जाता है। और यहाँ पे देखिए जो कड़ी पत्ता होता है ना वो ले लिया है। और हरी मिर्ची ले ली है, तो हरी मिर्ची के टुकड़े कर दूँगी मैं, बीच में से चीरा लगा कर कट करा था। और यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने तेल रख दिया है। और तेल हमारा गर्म हो गया है तो बस राई डाल दी है। और राई डालने के बाद हरी मिर्ची डाल दी है, कड़ी पत्ता डाल दिया है और फिर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर चीनी डाल दी है मैंने, तो चीनी यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच डाली है, तो छोटी चम्मच होती है ना उससे 2.5 चम्मच चीनी डाल दी है। और नींबू कट कर लिया है, तो देखिए नींबू की जो बड़ी वाली चीर थी ना वो तो मैंने रख दी है, और छोटी वाली चीर का नींबू रस भी डाल दिया है थोड़ा सा इसके अंदर, तो खटास हो जाएगा। और हल्का सा नमक भी डाल दिया है। तो बस ये हमारी चाशनी तैयार हो गई इधर, और मैंने गैस को बंद कर दिया। और देख लीजिए मेरा खमन, तो देखो हल्दी ने रंग लाया ना, हल्दी कितना मतलब एकदम डार्क कलर हो गया हल्दी से, तो कोई नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो बस ये देखिए निकाल रही हूँ इसको। और निकालने के बाद देखिए आप देख सकते हो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ढोकला, और कितना अच्छा एकदम रुई जैसा बना है हमारा ढोकला। तो देखिए अब मैं ये चाशनी भी दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे मैं ढोकला कट कर रही हूँ, और ये ना ढोकला कट कर रही थी तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था, भले वो और भी ज़्यादा होता तो वो भी कट कर लेती, क्योंकि इतनी आसानी से इतने अच्छे से कट हो रहा था ना ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ढोकले में सिर्फ हल्दी ज़्यादा थी, बाकी बनकर कितने अच्छे से तैयार हुआ है। और अब चाशनी डाल देंगे इसके ऊपर, और चाशनी डालने के बाद खाएंगे, खाने से ही पता चलेगा कि ढोकला कैसा बना है हमारा, खाली दी की अच्छा रहा है या बना भी अच्छा है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए ढोकला, और बताना ज़रूर कमेंट में कि ढोकला आपको कैसा लगा, ढोकले की रेसिपी आपको कैसी लगी, और ढोकला बनने के बाद आपको कैसा लगा। तो ये देखिए मैं उठा कर एक पीस आपको दिखा देती हूँ, और ये दबा कर दिखा रही हूँ। तो देखिए एकदम रुई जैसा बना है हमारा ढोकला, बहुत अच्छे से बना है। और फिर नाश्ता करने के बाद छत पे आ गई थी मैं, तो यहाँ पे पौधे देख रही थी, तो पौधे है ना एकदम से सूख से गए हैं और अच्छे से चल नहीं रहे थे, तो बस मैं वही सोच रही थी कि इसमें पानी भी डाल दिया मैंने, फिर भी अच्छे से क्यों नहीं चल रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी देर छत पर थी, फिर नीचे आ गई थी, तो नीचे आने के बाद मैं बस लग गई थी फिर से अपने काम में। और अपने काम में लगने के बाद में ये जो बर्तन थे ना, बर्तन मांजने के बर्तन थे, तो वो निकाले मैंने, और फिर पानी की बाटल भर के रख रही हूँ। और उसके बाद फिर खाना बनाना है मुझे, तो खाना तो अभी मैं देर से बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो सूट पहन लिया है, और
कान के लेकर आई हूँ आज, तो बस वही दिखा रही हूँ। और गाउन भी पहनती हूँ ना, तो वीडियो में नहीं आती हूँ गाउन पहनकर, और सूट पहनकर भी नहीं आती हूँ, लेकिन बस आज आ गई हूँ सूट पहनकर। तो सूट पहनकर इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी मेरी वीडियो देखते हैं, इसलिए सूट पहनकर नहीं आती हूँ वीडियो में, वैसे पहनती हूँ मैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तो ओके बाय बाय।